हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज जीएफ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एंसर को देखेंगे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिटनस से शरीर का क्या चीज प्रभावित होता है? तो दोस्तों, टिटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन यानी कि कितना लीटर रक्त होता है या खून, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना लीटर खून होता है? 4-5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किडनी से होता है। दोस्तों, किडनी से होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत ग्रंथि है। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज दोस्तों बार्टिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज। वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो परछाई होता है वो आंख के रेटिना पर बनता है। दोस्तों यहाँ पे नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया दान किया जाता है, कॉर्निया। दोस्तों, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये लगभग 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी, बी सी। दोस्तों बी सी जो है जल में घुलनशील है। ये दोस्तों बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी कैसे फलों में पाया जाता है, मीठा फलों में या खट्टा फलों में? तो दोस्तों विटामिन सी खट्टा फलों में पाया जाता है या खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक। दोस्तों एक बार हम इसमें फिर से रिवाइज कर देते हैं। टिटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेफ्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आंख की कॉर्निया दान की जाती है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है।
जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफर्स्टस को कहते हैं। दोस्तों, जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।